तो अब हम प्रोसीजर करेंगे बेड बाथ का बेड बाथ के प्रोसीजर को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए दो ट्रे एक ट्रे या फिर बेसिन या फिर बाउल जिसमें सोप वाटर यानी कि साबुन वाला पानी हो और एक जिसमें क्लियर वाटर हो उसके अलावा आपको एक और ट्रे चाहिए जिसमें आपके पास सामान होगा किडनी ट्रे आपके पास होनी चाहिए आपकी फोसेप्स उसके अलावा सोप होना चाहिए सोप वाटर बनाने के लिए टैलकम पाउडर लोशन ऑयल उसके बाद कॉम्ब बाउल जिसमें कॉटन बॉल्स हो स्वाइप्स शैम्पू एक बिग टावल और एक स्मॉल टावल इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक मैकेोश मैकेश ताकि आपका लिनन गंदा ना हो तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले अपने पेशेंट को प्रिवेसी प्रोवाइड करें हाथ जरूर धोएं और ये एक स्टराइल प्रोसीजर है तो ग्लव्स भी पहने ये प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए आपको वही चीज़ एक्सपोज करनी होगी जो चीज़ आप साफ़ कर रहे हैं अगर मैं फेस साफ़ कर रही हूँ तो सिर्फ फेस ही एक्सपोज करूंगी तो स्टार्ट करेंगे हम फेस से फेस में सबसे पहले हम पेशेंट की आईज को साफ करेंगे आई साफ़ करने के लिए हमें फोरसेप चाहिए होगा आप चिटल फोरसेप ले सकते हैं स्पंज फोर सेप ले सकते हैं आप चिटल के साथ आर्टरी फोरसेप भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं आपके स्पंज फोरसेप के साथ अपने पेशेंट की आई साफ़ करूंगी कॉटन बॉल लीजिए डिस्टिल वाटर में डालिए उसके बाद इनर कैंथस टू आउटर कैंथस मतलब अंदर से बाहर की तरफ साफ होगा वो भी सिंगल स्ट्रोक में ऐसे करके सिंगल स्ट्रोक दूसरी आईज को भी इसी तरीके से साफ करना है ये एटलीस्ट हमें तीन बार साफ करना है दोनों ही आंखों को हमें तीन तीन बार साफ करना है और तीनों बार ये कॉटन बॉल्स जो होंगे चेंज होंगे उसके बाद हम फेस के सबसे चौड़े हिस्से को यानी ब्रॉडर हिस्सा मतलब कि हमारे फोर हेड उसको साफ करेंगे उसके लिए आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि क्या वो सॉफ्ट वाटर और क्लीन वाटर के साथ कंफर्टेबल है या उसको फेस वाइप से साफ करना है तो यहां पर मैं अपने पेशेंट का फेस फेस वाइप से साफ कर रही हूँ सबसे पहले आप वाइप निकालिए एक वाइप को आप फोल्ड कर लीजिए अपने हाथ में कुछ इस तरीके से कि उसका जो सिंपल एज है उसका ऊपर का जो एज है सिर्फ वही बाहर रहे और आप उसी से पेशेंट के फेस को साफ कर रहे हैं फिर पेशेंट के फोरहेड को साफ कीजिए एक स्वाइप में जाइए लेफ्ट टू राइट क्लीन अगर आपको लगता है अभी भी साफ़ नहीं है तो इसको चेंज कर दीजिए एक और वाइप लीजिए और दोबारा साफ कीजिए इसके बाद हम पेशेंट की चीक्स एरिया पे जाएंगे गालों को साफ करेंगे गालों के लिए हम सेम वही वाइप निकालेंगे एक इसको भी हम वैसे ही कॉर्नर बनाएंगे एक हमारा जो आउटर एज है वही बाहर की तरफ हो ऐसे एक मिटन बना देंगे मिटन बनाने के बाद हम गालों को साफ करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ एक स्ट्रोक में ऊपर से नीचे की तरफ एक स्ट्रोक में उसके बाद दूसरे गाल पे भी सेम करेंगे अगर लगता है कि अभी भी कुछ गंदा है तो दोबारा से आप ये कर सकते हैं इसके बाद हम फेस साफ करने के बाद जाते हैं हाथ पैरों की तरफ सबसे पहले तो हम हाथ को साफ करेंगे तो जिस एरिया को हम साफ़ करेंगे हमें उसी एरिया को एक्सपोज करना होगा यहाँ पे साफ़ करने के लिए आपको अपने हैंड टावल का मिटन बनाना होगा दोबारा से सो मिटन बनाइए इसका अब हाथ को साफ कैसे करें हाथों को साफ करने के लिए आपको अप्रॉक्सिमेटी टू तो डिस्टल एंड जाना है यानी कि दूर से पास जाना है हाथ तीन सेक्शन में डिवाइड होता है पहले तो एल्बो तक फिर शोल्डर तक फिर अंडर आर्म वाले एरिया में तो आप स्टार्ट करेंगे पहले सोप वाटर में डिप करेंगे उठाएंगे इसके बाद एक्सपोज करेंगे आप सिर्फ अपने पेशेंट के हाथ को यहाँ से फिंगर टिप्स टू एल्बो साफ करेंगे उसके बाद दोबारा से सोप वाटर में डिप करेंगे एल्बो टू शोल्डर दोबारा डिप करेंगे और फिर आप एग्जिला अंडर आर्म वाले एरिया पर साफ करेंगे इसके बाद आप क्लीन वाटर में अपने ताल को डिप करेंगे नीचे से ऊपर एल्बो तक फिर एल्बो से शोल्डर तक फिर डिप करेंगे और फिर एग्जिला इसके बाद हम दूसरे हाथ पे करेंगे दोनों हाथों को हम सेम ही तरीके से साफ़ करेंगे तीन पार्ट में डिवाइड करके तो अब क्योंकि हमें अपने पेशेंट का थरासिक हिस्सा साफ करना है तो हम सिर्फ इतना ही हिस्सा एक्सपोज करेंगे जितना साफ़ करेंगे उतना एक्सपोज करेंगे मेक श्योर आपने पेशेंट को जो पहले प्राइवेसी दी है वो अभी तक मेनटेन्ड हो इसके बाद आप सेम मिटन बनाएंगे साफ करने के लिए हम सेम वही करेंगे पहले हम सोप वाटर में डुबाएंगे इसके बाद हम थरासिक हिस्से को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे ऊपर से नीचे तक एक स्ट्रोक क्लीन वाटर में डुबाएंगे ऊपर से नीचे तक दूसरा चौथा अब ओजिट एंड में भी हम सेम करेंगे सोप वाटर ऊपर से नीचे एक स्ट्रोक क्लीन वाटर ऊपर से नीचे एक स्ट्रोक और इसी तरीके से हम पेशेंट के थ्रासिक हिस्से को साफ करेंगे पेशेंट का थरासिक हिस्सा क्लीन करने के बाद अब हम बैक क्लीन करेंगे बैक क्लीन करने के लिए हमें अपने पेशेंट को लेटरल पोजिशन देनी होगी उतना ही हिस्सा एक्सपोज कीजिए जितना आपको चाहिए आपने लेटरल पोजिशन दी इसके बाद आप पेशेंट की सेम वैसे ही साफ करेंगे बैग को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे सोप वाटर से डिप करेंगे साफ करेंगे क्लीन क्लीन वाटर में डिप करेंगे क्लीन करेंगे ऐसे ही आप पूरी बैग में खींचेगा अगर आपको लगता है कि जो नीचे की साइड है वो अभी तक क्लीन नहीं हुई है तो आप दूसरी साइड जाके पेशेंट को अपोजिट साइड में लेटरल पोजीशन देके दोबारा से बैग को साफ कर सकते हैं बट मेक श्योर कि जब आप पेशेंट को सीधा लेटाएं उससे पहले आप अपने पेशेंट के बैक को ड्राई कर दें और उसके साथ आप अपने पेशेंट के बैक पर पाउडर अप्लाई कर दें क्योंकि अगर पेशेंट बेड रिटर्न है तो देर आर चांसेस कि पेशेंट को नेक्यूबिटस अल्सर हो जाए मतलब बेड सोर होने के चांसेस हैं तो मेक श्योर sure कि आप जो पेशेंट की बैक साफ करें वो हमेशा वेट ना रहे वो पाउडर डाल दें आप या फिर उसको अच्छे से वाइप करके सुखा दें तो बैक साफ करने के बाद अब हम आते हैं लोअर हिस्से में लोअर हिस्से में हमारे पास है लेग्स जैसे हमारे आर्म तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थे हमारे लेग्स भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है फ्रॉम योर टोस टू योर यर टू योर टू योर अपर थाई और अपर थाई के बाद इनर थाई वाला हिस्सा इसको साफ करने के लिए उतना ही हिस्सा एक्सपोज कीजिए जितना आपको चाहिए तो मुझे सिर्फ लेग्स का हिस्सा चाहिए तो मैंने सिर्फ लेग ही एक्सपोज करा है साफ करने के लिए सोप ऑटोमेटिप करेंगे नीचे से ऊपर घुटने तक क्लीन वाटर में डिप करेंगे नीचे से ऊपर घुटने तक उसके बाद दोबारा से सोप वाटर में डिप करके नी टू अपथाए क्लीन वाटर में डिप करके नी टू अपथाए उसके बाद सोप वाटर में डिप करके इनर थाई वाला हिस्सा उसके बाद क्लीन वाटर में डिप करके इनर थाई वाला हिस्सा ऐसे ही हम दूसरे लेग पे जाएंगे और दूसरा लेग भी इसी तरीके से साफ़ करेंगे इसके बाद हमें अपने पेशेंट का ग्रोइंग का हिस्सा साफ़ करना है उसे साफ़ करने के लिए हम एक डस्टल सोप वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए हम डिटर्डेंट सोल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे पेशेंट को इन्फेक्शन है तो इसके लिए आप कॉटन स्वाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो आपने मिटन बनाया है जिससे हमने बाकी बॉडी साफ़ किया हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट डू नॉट यूज़ जो हम फेस वाइप्स यूज करते हैं वेट वाइप्स वो हम अपने ग्रोइन एरिया पर यूज़ नहीं कर सकते इसके लिए आप सोप वाटर में अपने मिटन कॉर्नर को डुबाइए अपने पेशेंट के ग्रोइन एरिया को भी डिवाइड कर लीजिए दो पार्ट में पहले लेफ्ट को क्लीन कीजिए क्लीन वाटर में डुबाइए मिट्टी को दोबारा से क्लीन कीजिए सोप वाटर को उसके बाद राइट right वाले हिस्से में जाइए और इसके बाद जब आपका पेशेंट अच्छे से वॉश हो जाए आपको लगे आपका पेशेंट क्लीन है तो पेशेंट को पाउडर जरूर लगाएं ऐसे हिस्सों पे जहाँ पे प्रेशर अल्सर डेवलप होने के चांसेस हैं जैसे कि अंडर द हील एरिया पाउडर जरूर लगाएं ताकि फ्रिक्शन डेवलप ना हो और पेशेंट को बेड सोल ना हो उसके बाद पेशेंट को क्लीन क्लोथ पहनाइए अगर आपने पेशेंट के हेड वॉश भी करा है साथ में तो हेड वॉश के बाद आप अपने पेशेंट की कॉम्बिंग करिए उसके बालों को अच्छे से प्लेट्स बनाइए अगर लॉन्ग हेयर है तो और ऑयलिंग कीजिए थैंक यू थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट एंड अटेंशन इफ यू लाइक लर्निंग दिस वे डाउनलोड योर पर्सनलाइज ऐप